असलम एवरी वन कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ आज हो सकता है कि रमज़ान का लास्ट डे हो और कल ईद हो तो हम आज अपने सबसे नीचे वाले फ्लोर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की है तो सबसे पहले तो मैंने किचन में आ गई थी और जाले रिमूव करवाए थे हेल्पर भी थी साथ और मैं भी फिर भी इतना बर्डन था इतना काम ज़्यादा हो गया था लेंथी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की डीप क्लीनिंग होने लगी है फ़र्स्ट फ्लोर से और बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रीसी हो चुके थे सारे ड्रॉस जो साफ होने का नाम नहीं थे ले रहे तो इनको ना मैंने डिटर्जेंट पाउडर के साथ गर्म पानी के साथ अच्छे से मैंने इनके ऊपर से पहले सारा डस्ट वगैरह उतारा उसके बाद जो है ना मैंने फिर ड्राई कपड़े से इनको साफ किया मतलब गीले कपड़े से फिर मैंने इनको ड्राई कपड़े से साफ किया तीन दफ़ा साफ करने के बाद जो है ना ये ड्रॉ इनकी असली हालत जो है ना वापस आई थी उसके बाद टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर ली थी इसी प्रोसीजर माशाला तो इंशाल्लाह शर ईद हुई तो हमारा घर जो है ना साफ़ सुथरा होगा वैसे भी ईद कि स्टार्टिंग में मतलब ईद शुरू होने से पहले सब अपने घर को ऐसे साफ करते हैं कि जैसे सब मेहमान आ कर चेक करेंगे अच्छा वह पहले ना मैं सोचती थी कि क्या मेहमान कब चेक करते हैं पर यकीन करें ये जो लोग चेक करते रहते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से सफाई रख रहे हैं ये आपके कोने कुरे जो है ना वो भी चेक करते हैं खैर हमें लोगों को इंप्रेस नहीं करना हमारा घर है हमने अपने घर का कोना कोना साफ करना है क्योंकि ये चीज़ें दोबारा नहीं बनती और बार बार नहीं बनती हाँ, अम्मी ने मुझे बोला था कि अगर इजी हो तो सफाई का ख्याल रख लेना अगर नहीं तो लॉक कर देना सारे कमरे तो फिर जो है ना मैंने कहा नहीं अगर मैं तो लॉक कर दूंगी इजी हूँ लॉक करके सफाई का कोई नहीं इतना पर ये सारी चीज़ें ना ख़राब हो रही थी इतनी ज़्यादा काई जमी हुई थी सिंक के ऊपर फिर मैंने सिंख को अच्छे से रगड़ लिया था साफ कर लिया था और फिर जो है ना अम्मी ने लॉक का इसलिए कहा था क्योंकि मेरे लिए तीन पोर्शन देखना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर मुश्किल हो रहा है ना तो बंद कर दो बच्चों को देखो बस तो फिर बच्चों को भी अभी सो रहे थे बच्चे सुबह आठ बजे का टाइम था मैं आ गई थी नीचे हेल्पर जो है ना वो हमारे पुराने घर में होते हैं तो सामने है बस आमने सामने होते हैं हम उनको मैंने जगा लिया था मैंने कहा उठो आज कल अगर लास्ट डे हुआ ना तो हमने सारे काम आज खत्म करने हैं बाजार के चक्कर भी हैं आज बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फिर भी बाजार के कुछ काम जो है ना वो रह गए सिंक सिंह को ना अच्छे से मैंने मांज लिया था उसके बाद बाय अंदर से जितने भी शीशे हैं वो मैं खुद साफ करूँगी बाय से जो है ना वो हेल्पर हैं वो साफ़ करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी काम है थोड़ी सी ज्यादा जोर लगाने वाला काम है तो वो फिर खुद ही कर लेंगे मेल है वो तो फिर ज़ाहिर है वो फिर ईजिली मैनेज कर लेंगे तो मैंने आज डस्टिंग वाला काम पकड़ा हुआ था और झाड़ू पोछा वो जाना हेल्परी कर रही थी पर डस्टिंग का बहुत ज़्यादा काम हो गया था इतनी धूल थी हर चीज़ पे हर चीज़ साफ़ करने वाली हो रही थी तो बस डोर्स जो है ना वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे ये डोर जो है ना बाहर वाली साइड है आंधी तूफान वो जो ना इसको सामना करना पड़ता है हर चीज़ का तो कौन कौन ईद की सफाइयाँ कर रहा है और किसकी कितनी हो चुकी हैं ख़त्म हो हुई भी हैं कि नहीं मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि मेरे व्यूअर्स जो हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो क्या कर रहे हैं उनकी कम्प्लीट होगी तैयारियाँ कि नहीं तो तकरीबन नौ बजे का टाइम है तकरीबन पूरा घंटा जो है ना वो किचन में लग गया था नौ बजे का टाइम था तो बच्चे जो है ना वह जागे थे और बाहर आ गए थे तो बस उनको मैंने बिठा लिया था पंखा वगैरह लगा के गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ आजाद कश्मीर में हल्की हल्की सी गर्मी स्टार्ट होगी बच्चों का ना उठते साथ इतनी भूख लग रही होती है तो बड़ा मैंने उनको बहला के इन्ह यहाँ बिठाया था मैंने कहा अभी एक ही दफ़ा ऊपर जाऊँगी फिर इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी बार बार नहीं जाने होता तो मैं उनको फ़ोन दे दिया था फ़ोन बच्चों का तब भी देती हूँ जब मैं बहुत एक्स्ट्रा बिज़ी हूँ फिर मैं उनको फ़ोन दे देती हूँ अदरवाइज़ मैं उनको किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखती हूँ ऐसी एक्टिविटी में जिसमें उन मैस क्रिएट भी करें ना तो मैं उठा लूँ सुकून से अच्छा ये ग्रिल थी ना काफ़ी गंदी हो रही थी इसको हम मतलब दो दिनों के बाद लाजमी साफ़ करना पड़ता है ना तो बच्चे हाथ लगाते हैं ना कोई हाथ लगाता है फिर भी ये इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो बस मैंने इसको डिटर्जेंट पाउडर के साथ अच्छे से पहले इसको वॉश किया फिर ड्राई कपड़ा लेके ना इसको साफ़ किया तो ये भी चमक रही थी माशाल्लाह लाइट्स की तरह <laughs> उसके बाद ये यहाँ पर ना मेरे बच्चों के इस पारे और उनके स्काफ़ और टोपियाँ जो है ना वो यहाँ पे होती हैं तो वो मैंने उठा के अंदर रख दी मैंने अपने बच्चों से बोला भी आके टांग दिया करो पर बच्चे कहाँ सुनते हैं इतना परफेक्ट बच्चे हो जाए ना तो हमारे हम माओ के काम ही ख़त्म हो जाए तो बस वो उठा के मैंने अंदर लगा दिया और ये वाली सारी जगह सारी अलमारी साफ़ कर दूँगी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी यहाँ पर भी तो घर जो है ना साफ़ सुथरा हो तो बड़ा सुकून मिलता है मेरा ये वाला पोर्शन साफ़ था तो मुझे ऊपर भी ना आराम सुकून से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पर मुझे सुकून है इसके नीचे वाले दोनों जो है ना वो साफ सुथरे हैं अच्छा मैं नीचे इसलिए नहीं रहती ना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रूम अबू का एक अम्मी का जो अम्मी ने अभी लिया पहले मेरे पास ही था तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी अदरवाइज़ ये पोर्शन बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से अच्छा भी है पर एक रूम होने की वजह से ना बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे वो एक रूम में रुकते भी नहीं थे और बाहर फिर मेहमानों का आना जाना तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था अब ये है कि ये साफ़ सुथरा रहता है बच्चे जो मर्ज़ी करें ऊपर खेलें कूदें जैसे मर्जी रहें ऊपर है भी तीन कमरे हैं ऊपर से इतना बड़ा हॉल भी है उसके बाद बरामदा है एक इतना बड़ा तो मैं मैनेज कर लेती हूँ अच्छे से नीचे जो है ना सिर्फ दो रूम्स हैं एक गेस्ट रूम है एक ये हॉल है तो फिर मेरे लिए मुश्किल होता था एक रूम में एडजस्ट करना रूम भी छोटा है ना अगर बड़ा होता तो बंदा फिर मैनेज कर लेता तो तीन बच्चों के साथ खुद हम दो फिर मुश्किल होता है एक रूम में तो एक रूम जाना वो अबू के पास था अबू ने मुझे बोला था कि मैं ऊपर चला जाता हूँ आप दोनों रूम रख लो फिर मुझे नहीं था अच्छा लग रहा कि अबू ऊपर चले जाएँ सीढ़ियाँ चढ़ के उनको ऊपर जाना पड़े जाहिर है वो अब बूढ़े हो रहे हैं तो ये फिर अम्मी अबू को अपने रूम दे दिए और उन वो ईजी रहते हैं तो अबू ने अबू की सारी आपको यहाँ पर न पुरानी चीज़ें नजर आएँगी पुराना टी वी और ये पुरानी अलमारी पुराना टेबल मतलब चरपाइयाँ ये बड़ों के शौक़ होते हैं वो अपनी चीज़ें इधर से उधर नहीं आने देते आज मेरी हेल्पर भी परेशान है कि मुझे क्या हो गया <laughs> मुझे बस नहीं, ये नहीं दीवारें जो ना अच्छे से साफ़ हों ये नहीं है मैंने इनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ था मैंने कहा भाजी मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी ज़ाहिर आप इंसान हैं मैं बराबर का आपके साथ काम करूँगी अच्छा मेरे बेटे को ना बड़ा शौक़ है सफाई का तो मैंने कहा एक दफ़ा पोछा लगाओ ना आप सही से दोबारा से जो है न वो बाजी लगा देंगी इंडोर प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिया था अब तक ना पानी इनमें से थोड़ा 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 रिमूव होता रहता है तो मैंने कहा जब तक यहाँ की सफाई होती है ना तो जितने भी रफ प्लांट्स थे ना इनके साथ लगे हुए वो मैंने रिमूव कर लिए तो इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था इनकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक तो ये अंदर होते हैं ना तो दूसरा इनको साफ़ सुथरा रखना और सब कुछ अच्छा ये शीट्स है ना आसान है इनको साफ़ करना बहुत ईजीली आप इनको साफ़ कर सकते हैं तो बस मैं एक दफ़ा साफ कर चुकी थी अब दोबारा से इनको मैं साफ़ कर रही थी और इतना ज़्यादा गंदी नहीं थी बस थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी तो मैंने कहा इनको अच्छे से साफ कर लूँ उसके बाद बाहर से भी सारे दरवाजे साफ़ कर लिए थे खिड़की एक ही साफ़ की थी फिर याद आया कि वो भाई कह रहे थे मैं खुद साफ़ कर लूंगा तो फिर मैंने छोड़ दिया यहीं पे मैंने कहा वो साफ कर लेंगे जितना काम का बटन का मोनो उतनी तो इतना अच्छा है अच्छा ये ड्राइंग रूम है मतलब गेस्ट रूम है इसमें जो है ना जितने भी टेबल्स सोफ़े हैं वो हमने साफ़ किए थे इन शहाँ पे मजलिस बनवाएंगे और फिर ये हमारे सूफे हैं हम अपने अपने पोर्शंस में ले जाएंगे ये भी हमारा ही अलहमदिल्ला से पर ये है कि यहाँ पे मजलिस बन गई ना तो ये एक सोफ़ा इससे ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा एक सोफ़ा जनो वो उससे ऊपर जाएगा बस एक एक दफा पोछा लग चुका था अब दोबारा से ना लगा रहे थे बिल्कुल ड्राई करके ताकि ता कोई लाइंस वगैरह ना रहे और से घर साफ सुथरा हो गया था और नीट क्लीन यहाँ पे तीन वॉशरूम्स है ना तो दो मैंने साफ कर ली थी एक हेल्पर ने कर ली थी तो खुद साफ करने का ये था कि बहुत ज्यादा जो है ना डस्ट इनके ऊपर टैब्स के ऊपर सिंक के ऊपर इतना गंद था ना जिसको रिमूव करते करते ना मुझे एक घंटा तो लग गया एक वाशरूम में क्योंकि खुद जो बंदा काम कर रहा हो ना तो उसकी बात ये लग है रमज़ान था तो इतना ध्यान नहीं देने हुआ नीचे आके तो हर चीज़ की हालत थोड़ी सी खराब हो रही थी जिसको मैंने सेट कर लिया अलहमदिल्ला रमज़ान था बेशक हम ऊपर थे बिजी थे थे अफ्तारी सहरी और बाकी कामों में पर इतना सीख लिया कि किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कोई आपके घर का उतना ख्याल नहीं रखता जितना आप खुद रखते हैं जब तक खुद सर पे खड़े होके सारे काम ना न करो तब तक कोई भी नहीं करता हर चीज़ बर्बाद हो रही होती है ख़राब हो रही होती है तो हमारी हेल्पर को माशाला से हमारे साथ रहते हुए तेरह चौदह साल हो गए किस्म की वो हमारी फैमिली हैं पर फिर भी ज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है ना कि वो थोड़ी सी एज में जा रही हैं थोड़ी सी बूढ़ी हो रही हैं तो इसलिए उनसे इतना मैनेज नहीं होता फिर भी घर को जाना नहीं छोड़ना चाहिए किसी के आसरे पे कोई उस तरह से सफ़ाई नहीं करता जिस तरह आप खुद करते हैं तो अल्लाह ताला बस हिम्मत दें और सारे काम करने की तो बस ये वाली जो है रह गई थी खिड़कियाँ ये भी मैं साफ़ कर लूँगी अंदर से बाहर से वो खुद ही कर लेंगे तो यही था मेरा आज का व्लॉग मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह की हैं नेक्स्ट जो व्लॉग शेयर करूँगी वो थोड़ी सी मैं खुद की केयर करूँगी और आप लोग के साथ एक सी ग्लोइंग टिप शेयर करूँगी स्किन ग्लोइंग तो स्टे कनेक्टेड विद मी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़